सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अलॉन्ग रोड इसका टाइटल है एडिटोरियल का। एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोमोगेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रीस्ट्रक्चर द एजुकेशन सेक्टर। हमारे एजुकेशन सेक्टर को पूरा हम काया पलट करने वाले हैं इस पॉलिसी के जरिए। इसकी खामियाँ खूबियाँ देखेंगे। सभी से गुजारिश करूँगा दो चीज़ों पर। पहली चीज़, ट्रांसलेशन क्लास नहीं है। बहुत सारे रूल्स ग्रामर के और वोकैबुलरी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर आप कई दिनों से चैनल पे है तो आपको पता होगा, है ना। तो अपने नोटबुक और पेन को हैंडी रखें। ये एडिटोरियल जब निकल जाएंगे ना तो ये रूल्स आप भूल जाएंगे, तो अच्छे से उनको नोट करके साफ साफ रखें ताकि आपके काम आए। दूसरी चीज़, आज एक नई एक्सरसाइज करने वाले हैं, सरप्राइज आपके लिए। चलो आगे बताता हूँ, अभी शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। अलॉन्ग रोड एक बहुत ही लंबा सफ़र है, बहुत ही लंबी सड़क है किसी जगह पहुंचने की। अब वो जगह कौन सी है? ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप जानते ही हैं नई पॉलिसी सरकार ने अभी डिक्लेयर की है, इसी के ऊपर कह रहा है अलॉन्ग रोड। बहुत ही लंबा सफ़र है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। अब देखते हैं कैसे लॉन्ग रोड है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है द सेंटर विल हैव टू कन्विंस स्टेट्स दैट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेनिफिट्स ऑल। कह रहे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, द सेंटर, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसको करना ही पड़ेगा फ्यूचर टेंस में, विल हैव टू, और क्या, कन्विंस करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। और किनको? स्टेट्स को, राज्य को। अच्छा, किस बारे में? दैट वो ये कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये जो नई पॉलिसी है, ये बेनिफिट करती है सभी को। सभी राज्यों को, सेंटर को इस बात को कन्विंस करना पड़ेगा, परसुएट करना पड़ेगा, कैजोल करना पड़ेगा, कॉक्स करना पड़ेगा कि ये पॉलिसी आप सभी के फायदे के लिए, आप सभी को बेनिफिट करेगी। समझ गए होंगे आई थिंक सेंटेंस। सेंटेंस का सब्जेक्ट है सेंटर, वर्ब है इसकी विल हैव टू। इसके बाद कंजंक्शन आई है दैट नाम की, उसके बाद नया सेंटेंस, नया क्लॉज शुरू हुआ है, उस क्लॉज की वर्ब है, सब्जेक्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और वर्ब है उसकी बेनिफिट्स। देखो ये सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना पकड़ाना ये मैं आपको वीक में एक दिन करवाता हूँ खास क्लास लेकर के, जैसे हमने कल भी की थी, पार्सिंग सेशन उसको बोलते हैं हम। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस क्लास को जाकर के देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब का ही खेल है पूरी इंग्लिश। आप अगर थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर रहे हो ना, अपने आप से पूछो, चलो मेरी बात मत मानो, अपने आप से पूछो, क्या तुम्हें ये सब्जेक्ट और वो पकड़ में आता है हर सेंटेंस का? नेचुरली आता है, नहीं आता होगा। अगर आता होता तो आप स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको आता नहीं होगा, है ना। ये बात पक्की है, आप खुद पे आजमा के देखना। तो आज से इस स्ट्रगल को खत्म करने के लिए इस सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ना आप सीख लें, है ना, बहुत ईजी हो जाएगा इंग्लिश का सफर। तो सब्जेक्ट वर्ब पूरे ट्यूटोरियल का मार्क है ग्रीन और पिंक में आपके सामने है। मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाएं। अब आ जाओ आज के सरप्राइज पे। आज मैंने एक स्पेशल क्विज रखा है आपके लिए। देखो रोज नहीं रखूंगा, रोज एक्सपेक्ट मत करना, वीक में एक या दो डेज। आज मैंने आरसी क्विज बनाया है ना, ये आपके क्विज के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से इनको पहले पढ़ लें, ताकि जब हम पढ़ रहे होंगे एडिटोरियल उसके दौरान आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकें किस क्वेश्चन में क्या आना है। सेशन के लास्ट में चलो टाइम रहा तो मैं इसको आपको, चलो करवा ही दूंगा मैं इसको आपको ना अच्छे से, लास्ट के अंदर मैं सॉल्यूशन भी इनका दे दूंगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो 4 क्वेश्चन आज आपके पास आरसी के इस एडिटोरियल के साथ। बढ़े आगे, चलो अब इस सेंटेंस में ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट पहले उसको देख लेते हैं। विल हैव टू, देखो आपको पता हैज टू, हैव टू, हैड टू क्या करते हैं? आपके कंपल्शन को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी हैज टू वर्क हार्ड, उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हैज टू क्या बता रहा है? उसको ये काम करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो चलेगा नहीं उसका काम। इसको आप मस्ट भी बोल सकते हैं, शी मस्ट वर्क हार्ड, है ना। वैसे दे हैव टू वर्क हार्ड, उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब जब इसको अपने फ्यूचर में यूज करते हैं ना, आज नहीं करना पड़ेगा, आने वाले फ्यूचर में, है ना। ये तो आज की बात हो रही है भाई, उसको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बोलूँ भाई अगले साल उसको हार्डवर्क करना पड़ेगा, अगले साल उसके बोर्ड के एग्जाम है, तो मैं क्या बोलूँगा? शी विल हैज टू वर्क हार्ड एंड दे विल हैव टू वर्क आउट। मैंने क्या किया? बीच में विल को ऐड कर दिया, है ना, फ्यूचर टेंस बनाने के लिए बीच में विल को ऐड कर दिया। अब इतना काम अगर आपने किया ना, तो यहीं पे ग्रामर कॉन्सेप्ट फंसता है। इतना तो बहुत लोग जानते हैं कि विल आता है फ्यूचर के लिए, पर ये चीज़ लोग नहीं जानते कि विल भी एक मॉडल वर्ब है, जैसे कुड है, मे है, माइट है, है ना, ये सब के सब जो है ना, वुड, शुड, ये मस्ट, वैसे ही विल भी एक मॉडल वर्ब कहलाती है। अगर ये मॉडल वर्ब है, अगर ये मॉडल वर्ब है तो अपने बाज में बेर इन्फिनिटिव लेगी हैव फैमिली का, जो कि हैज नहीं होता, है होता है। तो विल के बाद में कभी भी हैज नहीं आएगा, चाहे शी के लिए यूज कर रहे हो,
चाहे दे के लिए यूज कर रहे हो, विल के बाद में तो हैव ही आने वाला है, शी विल हैव टू वर्क हार्ड, दे विल हैव टू वर्क हार्ड। तो हमेशा ध्यान रखें मॉडल्स के बाद में हैज हैड कभी भी ना लगाएं। आगे बढ़ते हैं, एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी ये है मेरे भाई लोग, ये सेंटर की नई पॉलिसी आई है जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, इसने एक एक करके सबको गिनाया। कह रहा है इनकी बहुत ज़रूरत थी, सालों से इनकी ज़रूरत थी, आप ले आए, आपने एहसान किया देश पे, ऐसी पॉलिसी तो जल्दी से जल्दी लानी ही चाहिए थी। अब इसके कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा है, कह रहा है वो बहुत अच्छी हैं लेकिन स्टेट्स की समझ में शायद वो ना आए, क्योंकि एजुकेशन मेरे ख्याल से स्टेट सूची में आता है ना, स्टेट लिस्ट में आता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट या सेंटर की लिस्ट का पार्ट नहीं है, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो शायद एजुकेशन स्टेट लिस्ट का पार्ट है ना, इसके कारण स्टेट्स जो हैं आपके इसके अंदर टांग फंसाएंगी, वो ये बोलेंगे कि हमारी ऑटोनॉमी को आप मत छीनो, सेंटर एजुकेशन को अपने आप से इंडिपेंडेंटली हैंडल ना करें। तो अगर आपको स्टेट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, उनको उनको समझाना पड़ेगा कि ये बच्चों के हित में कर रहे हैं अपने, इस पर पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स मत करना, आराम से बच्चों को नई पॉलिसी के हिसाब से अच्छे तरीके से पढ़ने दो। बस यही अपना आज का ट्यूटोरियल है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें हैं जो इसमें कमियाँ हैं वो भी गिनाएगा, साथ में स्टेट्स को सेंटर को ये हिदायत दे रहा है कि स्टेट्स को अच्छे से समझाओ। कोशिश करें समरी को 3 से 4 सेंटेंसेस में लिखने की। साथ ही साथ आज की टोन मैं आपको बता देता हूँ, देखो आज नई टाइप की टोन है, 2 टोन्स है। पहली टोन है एप्रीहेंसिव, ये थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हो रहा है कि आगे क्या होगा, रोड बहुत लंबी है, शायद स्टेट्स ना माने। दूसरी चीज आज की टोन को हम बोलते हैं रेजोल्यूट, ये रेजोल्यूशन दिखा रहा है कि आपको करना ही पड़ेगा, ये पॉलिसी इतनी बढ़िया है, अगर आपने नहीं किया ना तो नुकसान हो जाएगा बच्चों का सारों का, तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन वाली टोन, जिसमें से आप रेजोल्यूट होकर के आप संकल्प ले रहे हो कि आपको ऐसा काम करना है ना। तो रेजोल्यूट और एप्रीहेंसिव 2 टाइप ऑफ नई टोन्स है। चलो शुरू करें। कह रहा है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस्ड by the Ministry of Human Resource Development sets for itself the goal of transforming the system to meet the needs of 21st century India. कह रहे जो नई पॉलिसी है ना, जो ग्रीन में हमारा सब्जेक्ट भी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अच्छा ये पॉलिसी वो है जो कि अनाउंस बाय है, जिसका ऐलान किया गया है और किसके द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कह रहे जो पॉलिसी है ना, अब इसकी बात आ गई सेट्स, ये करती है सेट। अच्छा भाई क्या सेट करती है, कह रहा है एक तो करती है अपने लिए सेट, फॉर इटसेल्फ अपने खुद के लिए सेट, और करती है सेट एक गोल को, एक टारगेट को। ये टारगेट किसका है, ट्रांसफॉर्म करने का है, पूरा काया पलट करने का है, बदल देने का है पूरे सिस्टम को, और क्यों, ताकि हम मीट कर पाएं, जाकर के पूरा कर पाएं उन नीड्स को, उन जरूरतों को जो है 21वीं सदी के इंडिया की। तो ये पॉलिसी है जिसको अनाउंस किया इस डिपार्टमेंट ने, ये सेट करती है अपने आप के लिए ऐसे गोल को, ताकि बदल डाले पूरे सिस्टम को, ताकि हम पूरा कर पाएं उन नीड्स को जो 21वीं सदी के इंडिया की, 21st century इंडिया की जो है गोल्स हैं। समझ गए ना, आई थिंक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा तो सेंटेंस बहुत ईजी है। अब जिसके दिमाग में ये आया सर ये अनाउंस्ड पॉलिसी की वर्ब क्यों नहीं है, आपके लिए ही मैं ये सेशन लाता हूँ पार्सिंग का, आप जाकर के कल वाली वीडियो देखना, आपको मालूम चल जाएगा क्यों ये एक एडजेक्टिव है, क्यों ये एक वर्ब नहीं है। जब तक इसके अंदर नहीं घुसोगे पूरी जिंदगी यही दिमाग में चलता रहेगा, अनाउंस्ड वर्ब क्यों नहीं बनी और सेट वर्ब क्यों बन गई, है ना। ऐसे टुच्चे चीज़ों के अंदर अपना दिमाग मत खपाएं, बहुत सिंपल है, लॉजिक के साथ आप समझ सकते हैं। अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर की ग्रामर के ऊपर। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लिया, पॉलिसी की वर्ब है सेट्स, फॉर इटसेल्फ और ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्म करना होता है अ ह्यूज चेंज, अ रेडिकल शिफ्ट, है ना, रेडिकल शिफ्ट ही बोलते हैं, ह्यूज चेंज ही बोलते हैं, बहुत बड़े बदलाव को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना। अब जो मैं कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने चाह रहा हूँ ना इटसेल्फ वाला, इसको आप ऐसे समझें, वैसे तो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको ग्रामर सीरीज में करवा दिए हैं ना। अच्छा जिन्होंने वीडियो देखी है पहले मुझे इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर, दोनों सेंटेंसेस के अंदर कोई एरर दिखती है तो मुझे बताओ। Riya offered all her cookies to her friends but kept the sweetest one for her. चलो मैं एक काम करता हूँ, सेंटेंस की पार्सिंग कर देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको पता लगे कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है। जस्ट ए मिनट, कलर दे देता हूँ इसको, सब्जेक्ट को ग्रीन कलर और वर्ब को भी, वर्ब को कहाँ गया यार, वर्ब को दे दूंगा रेड कलर, है ना। चलो अब ये बताओ मुझे, अगर समीर ने, रिया ने ऑफर की कुकीज़, कुकी होते हैं बिस्किट, अपने फ्रेंड्स को और कीप कर ली, रख ली किसके लिए, एक जो सबसे मीठी वाली थी खुद के लिए। मान लो ये हर जो है ये रिया की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल मान लो हर है वो रिया की बात हो रही है, अब रिया ले रही है तो हर लगेगा इसके लिए। अब आप बोलो सर हर से तो कोई और भी हो सकता है, अब यहाँ पे होगी कन्फ्यूजन, बात सही है आपकी। मान लो उसने, रिया ने शिया के लिए रखी हो,
अपनी मम्मी के लिए रखी हो, अपनी बेटी के लिए रखी हो, अपनी सिस्टर के लिए रखी हो। तो यहाँ से हर से हमें पता नहीं लग रहा है रिया के लिए रखी गई है या नहीं रखी गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, इसकी जगह रिया लिख दो आप, यही सोल्यूशन है ना। रिया ने कुकी दे दी अपने फ्रेंड को और रख ली सबसे स्वीट वाली रिया के लिए। अब मान लो इसकी फ्रेंड का नाम भी रिया है, उस केस में क्या करोगे? मतलब ये सोल्यूशन कभी निकल नहीं सकता कुकी किसके लिए रखी गई है। इसी के लिए इंग्लिश में अपने पास आए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये ऐसे खास प्रोनाउंस हैं जो सिंपल प्रोनाउन की फॉर्म को चेंज कर देते हैं, पीछे सेल्फ लगा देते हैं, ताकि आपको पता लगे खुद के ऊपर काम हो रहा है या खुद के लिए काम हो रहा है ना। लॉजिक से समझो इसको। यहाँ पे हर रखता तो कोई और लड़की हो सकती थी, रिया लगता तो भी कोई और रिया हो सकती थी। यहाँ पे अगर मैं हर सेल्फ रख दूँ ना, हर सेल्फ, उस केस में क्या होगा? इससे मालूम चल जाएगा रिया ने खुद के लिए रखी है। हर सेल्फ मतलब रिया ने खुद के लिए रखी है। वही काम नेक्स्ट में समीर ने ब्लेम कर दिया, जो सारा का सारा दोष डाल दिया इस पे ऊपर, हिम पे, इस एक्सीडेंट के लिए। और बहुत सैड था उस दिन। समीर की दो वर्ब्स हैं, ब्लेम्ड और वॉज, है ना, दो वर्ब्स हैं। अब ये बताओ समीर सैड था क्योंकि उसने खुद पे ब्लेम डाला। देखो आदमी खुद पे ब्लेम डालता है और आदमी खुद सैड होता है। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं तो ये हिम यहां पे गड़बड़ कर रहा है। अगर मेरे सेंटेंस का मीनिंग ये है समीर ने खुद पे ब्लेम डाला, तो ये सेंटेंस में गड़बड़ कर रहा है हिम, है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस हिम को बदलना चाहिए हिम सेल्फ। समीर ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द एक्सीडेंट एंड वॉज रियली सैड दैट डे। तो यही होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इनकी निशानी क्या होगी? हमेशा वर्ब के जस्ट बाद आएंगे, जैसे यहाँ ब्लेम के बाद आ रहे हैं, है ना, या हमेशा प्रेपोजिशन के बाद में आएंगे। तो या तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होंगे या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होंगे, कभी भी प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले कभी भी नहीं आएंगे, समझ गए ना। तो यही काम हुआ यहाँ पे, इसलिए इटसेल्फ लगाया गया है। नेशनल पॉलिसी ने टारगेट किसके लिए सेट किए हैं? अरे खुद के लिए सेट किए हैं, इसलिए इटसेल्फ। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन अ फेडरल सिस्टम एनी एजुकेशनल रिफॉर्म कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली विद सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट्स एंड द सेंटर हैज द जॉइंट टास्क ऑफ बिल्डिंग अ कंसेंसस ऑन मैनी एम्बिशियस प्लान्स। कह रहा है एक फेडरल सिस्टम में, देखो फेडरल सिस्टम क्या होता है? संघीय सिस्टम, है ना, फेडरल सिस्टम। कह रहा है एक संघीय सिस्टम के अंदर जिसमें स्टेट्स और सेंटर मिल करके सरकार चलाते हैं, देश को चलाते हैं। कह रहा है कोई भी एजुकेशनल रिफॉर्म है ना, कोई भी शिक्षा से रिलेटेड सुधार हैं, कह रहा है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और कैसे? महज सपोर्ट के साथ, महज सहायता से, हेल्प से। और किसकी? स्टेट्स की, राज्यों की। और कह रहे जो सेंटर है ना, उसके पास एक जायंट टास्क है। सेंटर हैज अ ह्यूज मैमथ जायंट टास्क, है ना, उसके पास बहुत बड़ा काम है। वो क्या है? ताकि वो बिल्ड करे एक कंसेंसस को, आम सहमति को, बहुत सारे इसके एम्बिशियस प्लान्स पे, ऐसे प्लान्स जो इसने बनाए हैं और बड़े महत्वाकांक्षी हैं इस पॉलिसी के अंदर, समझ गए सेंटेंस को। ऐसे किसी भी फेडरल सिस्टम में रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं सिर्फ स्टेट्स के सहयोग से, और सेंटर के पास बहुत बड़ा काम है, वो एक सहमति को पैदा करे अपने इन बड़े बड़े प्लान्स के ऊपर। सेंटेंस सिंपल था, दो सब्जेक्ट ने दो वर्ब्स हैं, एंड कंजंक्शन के कारण दो सब्जेक्ट्स आए हुए हैं। एनी रिफॉर्म प्लस में इंप्लीमेंटेड, द सेंटर प्लस में हैज, है ना। सेंटेंस वर्ब आए हैं, वर्ड्स आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंसेंसस होता है अग्रीमेंट और यूनानिमिटी। अब जिसने खबरी पे मेरे साथ देखा है एनिमा रूट, उसका मतलब क्या होता है फटाफट से दिमाग में इसको तोड़ो। खबरी वालों को सबको पता होना चाहिए जो क्लास ले रहे हैं, यूनानिमिटी कैसे बना है? एनिमा रूट से बना है। एनिमा मतलब दिल, दिमाग, आत्मा, यूनो मतलब एक, एक दिल, दिमाग, आत्मा सबकी होती है, तो आप यूनानिमस हो जाते हो, आप में कंसेंसस होती है, आप सब एक दूसरे से सहमत होते हो, है ना। यूनानिमिटी, अनानिमिटी, सिनोनिमिटी, इस सब के सब हमें एनिमल रूट से वर्ड्स बनाए हुए हैं खबरी के ऊपर। तो कंसेंसस वर्ड आपने समझ लिया। एम्बिशियस होता है जो आपके बहुत एंथुसियास्टिक, अर्निस्ट और जो है डिटरमिन्ड प्लान्स होते हैं, आप बड़े बड़े प्लान्स बनाते हो एम्बिशियस प्लान्स को। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द पॉलिसी इंटर एल्यू एम्स टू एलिमिनेट प्रॉब्लम ऑफ पेडागोजी स्ट्रक्चर इनक्विटीज एक्सेस एसिमेट्रीज एंड रैम्पेंट कमर्शलाइजेशन। कह रहे जो पॉलिसी है ना, ये जो नई हमारे रूल बनाया है, ये बहुत सारी दूसरी चीज़ों में से इंटर एल्यू मतलब कई सारी चीज़ों में से एक चीज़ कौन कौन सी है, वह एम करती है एलिमिनेट करने पे। देखो ये कई चीज़ों को करना चाहती है, पर इंटर एल्यू उनमें से कई चीज़ें, उन कई चीज़ों में से एक चीज़ है एम करना, एलिमिनेट करने को, ख़त्म करने को प्रॉब्लम जो है पेडागोजी से रिलेटेड। पेडागोजी का मतलब होता है बच्चों को पढ़ाने की स्किल, किस तरीके से आप प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को, कैसे छोटे बच्चे इन्फेंट्स को पढ़ाते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने पे एम करती है। दूसरा एम करती है स्ट्रक्चरल इनएक्विटीज पे, जो ढांचे से रिलेटेड असमानताएं हैं हमारे देश में। प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी लैब है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फर्श भी नहीं है ठीक से, है ना, बच्चे बैठ भी नहीं सकते। एक्सेस की एसिमेट्रीज को, बड़े शहरों में 5-5 स्कूल होते हैं मोहल्ले में, गाँवों के अंदर
पाँच पाँच किलोमीटर पे एक स्कूल बनता है, दो दो किलोमीटर पे एक स्कूल होता है। तो एक्सेस की असमानताएं एसिमेट्रीज हैं। और रैम्पेंट कमर्शियलाइजेशन को धड़ल्ले से होता हुआ, खुलेआम होता हुआ, अनकंट्रोल जो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा हो रही है जैसे कि आप जो है सारा कमाओगे और स्कूल वालों को दोगे जा करके, है ना, इतनी ज़्यादा फीस स्कूल वाले रखते हैं। तो कह रहे हैं ये पॉलिसी है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसको करने वाली, उनमें से कुछ चीज़ें इंटर एल्यू हैं, ये वाले इसके एम्स, समझ गए ना, इंटर एल्यू वर्ड को समझे, बस यही मतलब होता है इसका। पॉलिसी की वर्ब है एम्स, पैडेगोजी एक वर्ड है आपके लिए, ये मैंने खबरी पे आपको गॉग रूट के साथ करवाया था। देखो गॉग का मतलब होता है लीडर, पैड मतलब चाइल्ड, पैडागोग मतलब अ लीडर या अ टीचर ऑफ चिल्ड्रन। तो पैडागोजी हो गई बच्चों को पढ़ाने की कला, है ना। तो प्रॉब्लम हमारे देश में बच्चों को सही तरीके से पढ़ाना टीचर्स को नहीं आता या तो, है ना, या उनके पास सही लर्निंग टीचिंग मटेरियल नहीं है। तो पैडागोजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ जो है उनको एलिमिनेट करना है। अब देखो एक गॉग रूट है ना, गॉग रूट खबरी भी मैंने आपको करवाया था, आप थोड़ा सा फटाफट इसको रिवाइज करें मेरे साथ, तीन चार वर्ड्स और बनते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, अभी मैं लिख रहा हूँ फिर आप उनको सोचो क्या उनका मतलब होगा, फिर मैं उनके मीनिंग आपको बता देता हूँ। डेमागॉग, हैमागॉग, जेनागॉग, ठीक है ना, डेमागॉग, हैमागॉग, जेनागॉग और सिनेगॉग, चारों वर्ड्स को मेरे साथ देख लेना फटाफट से, चारों में गॉग लगा हुआ है, गॉग का मतलब होता है लीडर, डेमा मतलब पॉपुलेशन, गॉग मतलब लीडर, ऐसा लीडर जो पॉपुलेशन को लीड करे, जनता का लीडर, डेमागॉग का मतलब होता है लोगों का पॉपुलर लीडर। आजकल इसको गलत वर्ड वर्ड की तरह यूज करते हैं, डेमागॉग का मतलब होता है मिस लीडर, ऐसा लीडर जो जनता को गुमराह करे, वैसे तो ये लीडर बनता है जनता का, पर डेमागॉग हम उस पर्सन को बोलते हैं आजकल जो आदमी जनता को गुमराह करता है बजाय उसको सही रास्ते ले जाने के, जैसे कि हमारे नेता डेमागॉग्स, है ना। हैमागॉग, हैमा मतलब ब्लड, गॉग मतलब लीडर, ऐसी चीज जो ब्लड को लीड करे, ऐसी चीज जो आपके ब्लड में फ्लो को इंक्रीज करे, आपका लो बीपी हो, आपको ऐसी दवाई दी जाए, आप हैमागॉग दें आपको ताकि आपका बीपी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, समझ गए ना। हैमागॉग मतलब ब्लड के फ्लो को लीड करने वाली ड्रग्स। जेनागॉग, जेना मतलब फॉरेनर्स, है ना, जेनोफोबिया आपने सुना होगा, मतलब बाहर से आने वाली चीजों का फोबिया, जेना मतलब बाहर की चीज, एलियन, और गॉग मतलब लीडर। तो जेनागॉग हो गया ऐसा आदमी जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट लोगों को गाइड करे, एक गाइड को सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोला जाता है जेनागॉग, है ना, जो टूरिस्ट गाइड होता है डेट इज कॉल्ड जेनागॉग। सिनेगॉग होता है यहूदियों के मंदिर, इस वर्ड का गॉग रूट से कोई मतलब नहीं है, लोग उसको सिनेगॉग को गॉग से जोड़ते हैं, मुझे आज तक इसका कोई कनेक्शन नहीं मिला। तो यहूदी जो होते हैं ज्यूस, उनके वर्शिपिंग प्लेस होता है ना, उसको बोला जाता है सिनेगॉग, जैसे मुस्लिम्स का होता है मॉस्क, हिंदूज का होता है टेम्पल्स, है ना, यहूदियों का बोला जाता है सिनेगॉग। तो ये वन वर्ड्स हैं चारों के चारों, गॉग रूट से बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी के मोस्ट पावरफुल टूल हैं, इस चीज़ को कभी भी ना भूलें अगर आप इंग्लिश में अपनी जर्नी को आगे ले जाना चाहते हैं। तो रैम्पेंट होता है धड़ल्ले से होती हुई कोई चीज़, आउट ऑफ कंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रेंड, अनचेक्ड या फ्लैग्रेंट। कर द NEP 2020 इज द फर्स्ट ओमनीबस पॉलिसी आफ्टर द वन इश्यूड इन 1986 एंड इट हैज़ टू कंटेंट विद मल्टीपल क्राइसिस इन द सिस्टम। कह रहे हैं जो NEP 2020 की पॉलिसी है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये है सबसे पहली, द फर्स्ट ओमनीबस पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी की जो ओमनीबस है। ओमनीबस मतलब क्या होता है, जो सब बहुत सारी चीज़ों को कवर करे, जिसका दायरा बहुत बड़ा हो। ये मैं बता दूंगा कैसे बनाए, पहले इसको समझ लो। कह रहा है NEP सबसे पहली ऐसी पॉलिसी है जिसका दायरा बहुत बड़ा है, ओमनीबस पॉलिसी है, हर चीज़ को हर एंगल से कवर करने वाली पॉलिसी है। और कब, कह रहे ये है वन वो वाली के उसके बाद में आने वाली है जो इश्यू हुई थी 1986 में, तो 86 वाली को रिप्लेस करेगी NEP 2020। कह रहा और इसके पास में हैज़ टू, इसको करना पड़ेगा कंटेंट विद, लड़ना पड़ेगा बहुत सारे मल्टीपल वेरियस क्राइसिस से, तूफानों से हमारे सिस्टम के अंदर। तो कह रहा है 1986 के बाद की सबसे बड़ी ओमनीबस पॉलिसी है आज तक की, और इसको कई सारे मल्टीपल क्राइसिस से, मल्टीपल आफतों से सिस्टम की लड़ना पड़ेगा। अब आ जाओ सेंटेंस की ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब ने पकड़ लिया, NEP की वर्ब इज, इट की वर्ब हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ऊपर देखा था आपने, ये वही वाला है, इसका मतलब होता है आपको किसी काम को करने की मजबूरी है, है ना। कंटेंट विद एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब नहीं बोलूंगा इसको, प्रीपोजिशनल वर्ब बोलूंगा, इसका मतलब होता है किसी से फाइट करना, किसी को फेस करना, किसी के साथ डील विद करना, टैगल करना, किसी चीज़ से निपटना। कंटेंट वहीं से बना है, कंटेंडर जो आपको चुनौती दे, कंटेंडर, है ना, तो कंटेंट विद मतलब किसी के साथ फाइट करना, लड़ना। अच्छा इसमें देखने वाला वर्ड आया ओमनी बस, आपने ओमनी रूट पढ़ा होगा ना, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनी पावरफुल, है ना, ओमनीपोटेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो ये ओमनी मतलब ऑल, बस का मतलब है जो आप जिस चीज़ के अंदर आप ड्राइव करो, है ना, बस रूट का मतलब ये होता है जिस चीज़ के अंदर आप बैठ करके ड्राइव करो, चाहे आप बस नाम के व्हीकल की बात कर लो या किसी भी
ऐसे टूल की बात कर लो जो आपको आगे ले जाए। तो ओमनीवर्स ऐसी चीज है जो कवर करती है बहुत सारी चीजों को, जो ड्राइव करती है सब चीजों को। ओमनीवर्स चीज होगी उसमें सारे पहलू कवर हो रहे होंगे, इसको कहते हैं ओमनीवर्स। ठीक है ना, आज ओमनी रूट शाम को लेने वाला हूं खबरी पे, ओमनी रूट को देखते हैं, सारे वर्ड्स इस पे बनाएंगे। कह रहा इट इज नो सीक्रेट दैट प्राइमरी स्कूल्स रिकॉर्ड शॉकिंगली पुअर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आउटकम्स, ड्रॉप आउट लेवल्स इन मिडल एंड सेकेंडरी स्कूल्स आर सिग्निफिकेंट, एंड द हायर एजुकेशन सिस्टम हैज जनरली फेल्ड टू मीट द एस्पायरेशंस फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स। कह रहा है ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये सबको मालूम है। क्या चीज़ भाई? दैट वही है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, उनके पास रिकॉर्ड है बहुत ही खराब पुअर लिटरेसी का। प्राइमरी स्कूल के अंदर आपको पता लगेगा गांव के 100 बच्चों में से 20-22 बच्चे ही गांव में पढ़े लिखे हैं उनके रिकॉर्ड से, है ना। और जो न्यूमरेसी आउटकम्स हैं उस पर भी उनका बहुत खराब रिकॉर्ड है। वहाँ के प्राइमरी स्कूलों के बच्चे जो हैं बिल्कुल भी न्यूमरेसी जो है ना उनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बिल्कुल जीरो है। मैथ्स जो है बहुत कम अच्छे तरीके से जानते हैं वो, है ना। तो कह रहा है ये जो कोई सीक्रेट नहीं है, हमारे प्राइमरी स्कूल के ये दो रिकॉर्ड बड़े खराब हैं। और कह रहा है जो ड्रॉप आउट के लेवल्स है ना, स्कूल को बीच में छोड़ देने के जो लेवल हैं, ड्रॉप आउट करने के जो लेवल हैं मिडिल स्कूल में और सेकेंडरी स्कूल में 8वीं और 10वीं तक की क्लास में, ये लेवल बहुत ज़्यादा है, आर सिग्निफिकेंट। और जो हायर एजुकेशन सिस्टम है ना, वो मोटे तौर पे फेल हो गया है मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए उन इच्छाओं को, एस्पायरेशंस को जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स की। ऐसे प्रोग्राम हम चलाएं जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स हों, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हों। एक बार रिपीट कर देता हूँ सेंटेंस को, फिर इसके अंदर कहेंगे चीज़ों पे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ये कोई भी सीक्रेट नहीं है कि प्राइमरी स्कूलों की जो रिकॉर्ड करते हैं वो बहुत ही कम पुअर लिटरेसी को, और जिनके न्यूमरेसी आउटकम्स बहुत ख़राब हैं, जिनमें बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत कम आती है, कह रहे सबको पता है। और जो ड्रॉप आउट का लेवल है मिडिल और सेकेंडरी स्कूल में, वो लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। और हायर एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा है हमारा कि उसके अंदर आप बच्चे को चार पांच जो है सब्जेक्ट्स पढ़ा ही नहीं सकते हो, वो पूरी तरह से फेल है ऐसी एस्पिरेशन के लिए कि लड़का या लड़की 4 से 5 चीज़ों को सीखे अपनी हायर एजुकेशन में। वो एक या दो ही को सीख सकता है, उसके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ नहीं है वो 4-5 चीज़ों को एक साथ हैंडल कर सके, है ना। तो ये है इस पूरे सेंटेंस का जो है मीनिंग। अब देख लो सब्जेक्ट वो पकड़ लेना, इट की वबह इस, स्कूल्स की वबह रिकॉर्ड, ड्रॉप आउट लेवल्स की वबह आर, हायर एजुकेशन सिस्टम की वबह हैज जनरली फेल्ड। और कुछ देखने वाला है इसमें, आउटकम होता है नतीजा, कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट। न्यूमरेसी होती है आपकी रिलेटेड टू नंबर्स, रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, है ना। न्यूमरेसी मतलब आपकी मैथमेटिकल स्किल्स। आगे बढ़ते हैं, मल्टी डिसिप्लिन देख लेना, जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिनस हों, मल्टी सब्जेक्ट्स हों, ऐसा कोई कोर्स हो जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हो, है ना। फिलोसफी भी आती हो, आर्ट भी आती हो, लिटरेचर भी आती हो, साइंस भी आता हो, ऐसे कोर्स अपने इंडिया में फेल हैं, कोई इन कोर्सेज को हैंडल नहीं कर सकता। कह रहे इन स्ट्रक्चरल टर्म्स द एनईपीस मेजर्स टू इंट्रोड्यूस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फ्रॉम एज 3 ऑफर स्कूल बोर्ड examinations twice a year to help improve performance, move away from rote learning, raise mathematical skills for everyone, shift to a 4-year undergraduate college degree system and create a higher education commission of India, represent major changes. अब आपको sentence को देख करके थोड़ा सा नाइटमेयर आएगा कि सर इसमें इतनी तो वर्ब्स आ गई, इतने सारे सब्जेक्ट आ गए, आपने कैसे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रखी है। मैं आपको पहले बताता हूँ छोटे टर्म्स के अंदर, दो टूक शब्दों में, है ना। इसका सब्जेक्ट है एनईपी मेजर्स, इसकी वर्ब है रिप्रेजेंट। एनईपी मेजर्स रिप्रेजेंट मेजर चेंजेस, पूरा सब्जेक्ट जो है ना, अरे नहीं देखो पूरा जो सेंटेंस है वो इतना ही है, द एनईपी मेजर्स रिप्रेजेंट मेजर चेंजेस। अब सर ये बीच वाला क्या है? अरे कौन से मेजर हैं और ये क्या काम करते हैं, बस ये इसने बताया, देख लो ना। अब समझो इस सेंटेंस को, कह रहा है स्ट्रक्चरल टर्म्स में अगर आधारभूत संरचना हम इसके देखें, इसके ढांचे की तरफ देखें, उस रूप में इसको देखें, तो एनईपी के मेजर्स जो हैं वो हमें दिखाते हैं बड़े बड़े चेंजेस को। अब ये चेंजेस क्यों दिखाते हैं, अब देखो, ताकि इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, कर सकें जल्दी से चाइल्डहुड एजुकेशन को एज 3 में। अभी 6 साल से कम के बच्चे सरकार के हिसाब से स्कूल में नहीं जाने चाहिए, पर ये मेजर्स ऐसे होंगे, कदम ऐसे होंगे कि 3 साल के बच्चों को भी स्कूल में एंट्री मिलने लगेगी। अच्छा, और क्या कर सकें? ऑफर कर सकें स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन को साल में 2 बार, ताकि हेल्प कर सकें इम्प्रूव करने में परफॉर्मेंस को, है ना, हेल्प इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अच्छा, और किस किस चीज़ के लिए? ताकि मूव कर सकें रोट लर्निंग से, जो रट्टा मारे का जो काम है हमारे देश में, रट्टे मरवाए जाते हैं चीज़ों के, रोट लर्निंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। कह रहा मूव अवे कर सकें रट्टा मारने से, इधर उधर हम जो है कुछ और कर सकें रट्टा मारने के अलावा। अच्छा, और किस चीज़ के लिए? ताकि रेज कर सकें मैथमेटिक्स स्किल्स को हर आदमी के लिए, फॉर एवरीवन। अच्छा, और किस चीज़ के लिए? ताकि शिफ्ट कर सकें
एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री सिस्टम पे, जैसा कि अमेरिका में होता है, और ताकि क्रिएट कर सकें एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को। देखो ये सारे के सारे मेजर्स हैं, ये इंट्रोड्यूस से पहले भी 2 है, ऑफर से पहले भी 2 हिडन है, मूव से पहले भी 2 हिडन है, रेज से पहले भी 2 हिडन है, शिफ्ट से पहले भी 2 हिडन है, क्रिएट से पहले भी 2 हिडन है। तो एक्चुअल में सेंटेंस ऐसा है ना, अगर आप इस तरीके से चलोगे तो सब कुछ ईजी है। आपके सामने मैंने खोल के पोस्टमार्टम करके बताया, आप भी कर सकते हैं, है ना। चलो रॉट लर्निंग देख लेना, रट्टा मारने को कहते हैं रॉट लर्निंग। हेल्प के बाद में चाहे आप 2 लगाएं चाहे 2 ना लगाएं। शी हेल्प मी कम्प्लीट द प्रोजेक्ट, शी हेल्प मी टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे 2 लगाओ चाहे 2 मत लगाना, है ना। चलो कह रहा प्रोग्रेस ऑन दिस क्रूशली डिपेंड्स ऑन द विल टू स्पेंड द प्रॉमिस 6% ऑफ GDP एज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। कह रहे जो प्रोग्रेस है ना, जो बढ़त है इस काम में, जो आगे बढ़ने का काम है, और कह रहे ऑन दीज, ये ऊपर वाली चीज़ों पे जिसकी हमने बात की है ऊपर, है ना, ये सारे के सारे जो प्रोग्रेस है ना, ये क्रूशली डिपेंड करती है, ये बहुत क्रिटिकली गंभीर रूप से निर्भर करती है, डिपेंड ऑन करती है किस पे, उस विल पे, उस डिटर्मिनेशन पे, उस संकल्प पे, उस रेजोल्यूशन पे, उस जज्बे पे, जो है स्पेंड करने का एज प्रोमिस्ड 6% GDP का, और किस पे, एज पब्लिक एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर। तो सरकार ने वादा किया है 6% अपना एजुकेशन का बजट होगा पूरे GDP का, अगर सरकार इस वादे को पूरा करती है तभी उसी चीज़ पे प्रोग्रेस डिपेंड करेगी। समझ गए सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ पे एक बहुत ही कन्फ्यूजन भरी चीज़ है, ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं है, पर जिन लोगों के लिए है वो लोग खास करके से ध्यान दें। कैसे पता लगेगी आपको, दोनों सेंटेंसेस को फटाफट से दिमाग में अपने पार्स करो और मुझे बताओ विल का क्या मतलब है। मैं आपके सामने पार्स कर रहा हूँ, आप सब लोग अपना दिमाग भेजा चलाएं और विल का मुझे बताएं क्या मतलब होता है। चलो देखो सेंटेंस वन है ना, इसका सब्जेक्ट है ही, इसकी वर्ब है विल पास एग्जामिनेशन, विल पास इसकी वर्ब है, वो पास करेगा एग्जाम को। सेंटेंस टू है ना, इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, इसकी वर्ब हैज, और क्या इसके पास विल है, उसके पास विल है, उसके पास जज्बा है पास करने के लिए इस एग्जाम को। ध्यान से देखो तो सेंटेंस टू के अंदर विल हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा, विल काम कर रहा है एक नाउन का, इस हैज नाम की वर्ब के ऑब्जेक्ट बन के आने का काम कर रहा है। तो अगर विल है ना, विल, उसको आप नाउन फॉर्म में यूज करोगे, उसका मतलब होगा जज्बा, आई हैव द विल टू सक्सीड, मेरे पास जज्बा है कामयाबी को हासिल करने का, है ना। और अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करोगे, इसके बाद एक मेन वर्ब भी आएगी, उस केस में ये होगी हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर टेंस के बारे में कुछ बता रही होगी, समझ गए ना। तो विल वर्ड है, 2 तरह से यूज होता है, हमेशा ये फ्यूचर टेंस का काम नहीं कर रहा होता, कभी कभी ये जज्बे का काम भी कर रहा होता है जब ये नाउन की तरह काम कर रहा हो। इसके आगे कोई वर्ब आ रही है, नहीं आ रही, तो मतलब ये एक नाउन है, वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, बस यहाँ पे यही वही वाली विल है ना। कह रहा है द पॉलिसी ऑल्सो सेज दैट वेर एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स अंटिल एटलीस्ट क्लास 5 बट प्रेफरेबली अंटिल क्लास 8 एंड बियॉन्ड विल बी द होम लैंग्वेज और मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। कह रहा है पॉलिसी ऐसा भी कहती है कि जहाँ भी पॉसिबल हो, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्कूल्स के अंदर, कम से कम 5वीं क्लास तक, कह रहा है लेकिन प्रेफर करेंगे 8वीं क्लास तक और उससे आगे भी। कह रहा है ये पॉलिसी ऐसा कहती है कि जो मीडियम है ना, वो विल भी वो होगा होम लैंग्वेज उसकी घर की भाषा, मदर टंग उसकी मम्मी की भाषा, उसकी जो मुँह बोली है ना, और रीजनल लैंग्वेज मतलब उसके रीजन की लैंग्वेज। तो ये पॉलिसी कहती है कि अब इंग्लिश विंग्लिश के चक्कर में किसी को नहीं पढ़ना है, अगर आप पंजाबी में, गुजराती में, बंगाली में पढ़ना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आप उस क्लास में भी 8वीं और उसके पार पढ़ सकते हैं। समझ गए होंगे, आई थिंक सिंपल सेंटेंस है ना। देखने वाला इसमें कुछ आया नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिस इज अ लॉन्ग हेल्ड व्यू एंड हैज इट्स मेरिट्स ऑल्दो इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री वेयर मोबिलिटी इज हाई द स्टूडेंट शुड हैव द ऑप्शन टू स्टडी इन द लैंग्वेज दैट इनेबल्स अ ट्रांसफर नेशनली। अब अगली लाइन के अंदर ये लॉजिकल बात कह रहा है, कह रहा है बहुत अच्छी बात है रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए, पर इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है कि ये बहुत लॉन्ग हेल्ड व्यू है, लंबे वक्त से होल्ड की हुई एक नज़रिया है, बहुत लंबे वक्त से इस नज़रिए को लोग रखते आ रहे हैं, और कौन सा, ये वाली बात जो ऊपर हमने देखी। कह रहा है ये बहुत टाइम से माना जा रहा है और इस चीज़ की मेरिट्स भी हैं, इस चीज़ की जो है ना एडवांटेजेस भी हैं, अगर आप बच्चे को उसकी मदर टंग में उसको पढ़ाई करवाओ तो उसके मेरिट्स भी हैं। लेकिन ऑल दो एक बहुत ही बड़े और डाइवर्स कंट्री में, एक बहुत ही बड़े और ऐसी कंट्री में जिसमें बहुत बड़े अलग तरह के कल्चर्स हैं, अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, डाइवर्स है ना, जहाँ पे मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों का इधर से उधर जाना बहुत ज़्यादा होता है ना,
कुछ लोग काम करने जाते हैं, कुछ लोग कमाने जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस करने जाते हैं, कह रहा है। लेकिन ऐसे कल्चर में ना, एक ऐसी कंट्री में स्टूडेंट के पास ऑप्शन होना चाहिए वो स्टडी करे एक ऐसी लैंग्वेज में जो इनेबल कर दे, जो उसको सक्षम बनाए ट्रांसफ़र लेने में नेशनली। समझ गए सेंटेंस को? आर्मी मैन का बेटा है, आज अमृतसर में है, कल पंजाब में, कल पंजाब से निकल के बंगाल में जाएगा, तो पंजाबी से वो बंगाली में कैसे पढ़ेगा वो, है ना? तो कह रहे ये बात बिल्कुल ठीक है, बच्चों को पढ़ाओ जैसे पढ़ाना है, लेकिन बच्चों को एक ऐसा ऑप्शन भी दो अगर वो अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो उसको ऐसी लैंग्वेज में भी पढ़ने की इजाज़त मिले, है ना? अब इसे नाम अंग्रेजी का नहीं लिखा है, अगले लाइन में बताएगा अंग्रेजी क्यों है ज़रूरी। कह रहा है इंग्लिश हैज़ परफॉर्म्ड दैट रोल ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स। कह रहा है इंग्लिश ने परफॉर्म किया है इस भूमिका को कारण से हिस्टोरिकल फैक्टर्स के। तो इतिहास में देखें तो अंग्रेजों के काल से इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हर स्टेट में बोली जाती रही, तो इसका ये रोल हमेशा से रहा है। समझ गए सेंटेंस को? दोनों सेंटेंस डाइवर्स होता है, बहुत तरह का, सेवरल वेरियस। डाइवर्स की एक बिगड़ी हुई स्पेलिंग भी है, डाइवर्स, है ना? देखो इसमें क्या आ रहा है, लास्ट का एस निकला हुआ है, इसका मतलब ये होता है बहुत तरह का, भांत भांत का, अलग अलग तरह का। ये स्पेलिंग डिस्टिंक्ट हो गई है, फिर भी कभी कभी मिलेगी आपको देखने के लिए। मोबिलिटी आप समझ गए हैं, इधर से उधर जाना, है ना? इस सेंटेंस में ड्यू टू की जगह ओविंग टू आना चाहिए था। इंग्लिश हैज़ परफॉर्म्ड दैट रोल ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन्स, यहाँ पे ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन्स जो है ओविंग टू हिस्टोरिकल रीजन्स में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि ये एडवर्बियल फ्रेज बन सके, है ना? ड्यू टू वर्सेस ओविंग टू ऐसे बनता है। कह रहा देर आर सम गुड एलिमेंट्स टू द एनईपी 2020 दैट विल जनरेट लिटिल फ्रिक्शन एंड नीड ओनली एडिक्वेट रिसोर्सिंग। कह रहा वहाँ पे कुछ अच्छे एलिमेंट भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं इस पॉलिसी के अंदर जो कि पैदा करेंगे ना के बराबर फिक्शन को, ना के बराबर मतभेदों को, और जिनको ज़रूरत होगी महज खाली खाली एडिक्वेट रिसोर्सिंग की, रिसोर्सिस को, संसाधनों को अच्छे तरीके से मैनेज करने की। तो कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनको बहुत अच्छे हैं और कोई उन पर अग्री डिसअग्री नहीं करेगा, और सिर्फ अपने संसाधनों को हमें देखना है, उन एलिमेंट्स को सब स्टेट्स मान जाएंगी। समझ गए सेंटेंस को? एलिमेंट सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी आर, देयर एक एडवर्ब है, सेंटेंस के शुरू में आ रही है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन के। ये हमारा सब्जेक्ट कभी भी ट्रू सब्जेक्ट नहीं बनती। दैट की वर्ब है विल जनरेट, लिटिल होता है ना के बराबर, इसके आगे ए या द लगा दूं तो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी आ जाएगी, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, है ना? अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, लिटिल मतलब ना के बराबर। फ्रिक्शन होता है घर्षण, आपस में दो चीज़ों के बीच में टकराव, रेजिस्टेंस, डिसएग्रीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रोविजन ऑफ एन एनर्जी फिल्ड ब्रेकफास्ट इन एडिशन टू द न्यूट्रिशियस मिड डे मील टू हेल्प चिल्ड्रन अचीव बेटर लर्निंग आउटकम्स इज वन। कह रहे जो प्रोविजन है ना, जो रूल है, नई धारा है, नया सेक्शन है एक एनर्जी से भरे हुए ब्रेकफास्ट का। अब बच्चों को ब्रेकफास्ट भी स्कूल में ही करवाया जाएगा, है ना? कह रहे जो प्रोविजन है, और ये कौन सा प्रोविजन है? इन एडिशन टू, अलग से, इन एडिशन टू मतलब एडिशन के अंदर जो पहले चल रहा है उसके साथ साथ। अच्छा, किस चीज़ के साथ साथ भाई? उस न्यूट्रिशियस मिड डे मील के साथ जो बच्चों को ऑलरेडी खिलाया जा रहा है। तो कह रहा है ब्रेकफास्ट का जो प्रोविजन है ना, और क्यों? हेल्प करने के लिए चिल्ड्रन को, ताकि वो अचीव करें बहुत ही बेटर लर्निंग आउटकम को। कह रहा है प्रोविजन इज वन, ये प्रोविजन एक वैसी ही चीज़ है, है ना? जो ऊपर हम बातें कर रहे हैं ना जिसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, कह रहा है ये प्रोविजन नाश्ते वाला, इस पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन किसी भी स्टेट से नहीं आने वाला है। समझ गए सेंटेंस को? प्रोविजन की वर्ब है इस, इन एडिशन टू पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको फटाफट से इन दो सेंटेंसेस से समझें, फिर मैं आपको रूल बताता हूँ। अगर आपने एरर पकड़ी तो अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ी हो तो फिर रूल बताऊंगा, फिर ही आप पकड़ने वाले आप ही आ जाना। सब लोग ट्राई करें, दोनों सेंटेंसेस में क्या एरर है। चलो मैं पहले क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ सब्जेक्ट वर्ब को, ताकि आपको पता चले मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना? वर्ब हो गई अंडरलाइन में, सब्जेक्ट हो गया बिना अंडरलाइन के, है ना? चलो, बिल गेट्स एज वेल एज, अभी एज वेल एज कौन सा है? ये देखो ऊपर वाला, है ना? ये एज वेल एज यहां लगा हुआ है। बिल गेट्स एज वेल एज मलिंडा गेट्स हैव डोनेटेड देयर प्रॉपर्टी। दिक्कत क्या है सेंटेंस में? ये एज वेल एज एक प्रेपोजिशन है, तो इसने ऑब्जेक्ट लिया हुआ मलिंडा गेट्स। अगर मेलिंडा गेट्स एज वेल एज का ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट का पार्ट होता तो यहाँ पे हैव ठीक होता, क्योंकि ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। यहाँ पे इस हैव वर्ब को हमने गलत लगाया है, हमें एक्चुअली लिखना चाहिए था हैज डोनेटेड। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है बिल गेट्स। भले ही मेलिंडा गेट्स ने भी बिल गेट्स के साथ में पैसे दिए हैं, लेकिन उसने एज वेल एज लगा करके उसका नाम लिखा है, तो ये एज वेल एज का ऑब्जेक्ट है। मेलिंडा गेट्स जो है इस सब्जेक्ट की वर्ब के अंदर शामिल नहीं होगी। समझ गए ना?
तो बिल गेट्स एज वेल एज मेलिंडा गेट्स हैज डोनेटेड देयर नी हिज प्रॉपर्टी टू द कॉज, जिस भी कॉज पर उन्होंने डोनेट किया है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनना चाहिए। अगला देखो, मोनिका के साथ साथ ही सोनिया और शिल्पा ने, इन एडिशन टू का मतलब क्या है, मोनिका तो है ही, उसके एडिशन में सोनिया और शिल्पा भी हैं। तो कह रहे मोनिका और इन एडिशन टू सोनिया एंड शिल्पा वर लुकिंग ब्यूटीफुल इन द पार्टी। अब ये सब के सब जो हैं लुकिंग गुड हो रहे थे पार्टी के अंदर, है ना, अच्छा अच्छे दिखाई दे रहे थे। अब दिक्कत क्या है, मोनिका है हमारा सब्जेक्ट और सोनिया शिल्पा है इन एडिशन टू का ऑब्जेक्ट। अगर सोनिया और शिल्पा हमारे ऑब्जेक्ट हैं इस प्रपोजिशन के, तो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है तो वर लुकिंग गलत हो जाएगा। मोनिका के हिसाब से आना चाहिए था वॉज लुकिंग। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये सब के सब क्या है, एक से ज्यादा वर्ड वाली प्रपोजिशन हैं, तो इनको देख के लगता नहीं आपको प्रपोजिशन होंगी, इनको माइंड करें, अलॉन्ग विद एज वेल एज इन एडिशन टू विदाउट विद और बिसाइड्स, है ना। चले, इसीलिए यहाँ पे प्रोविजन के साथ में इज लगाया है, ये न्यूट्रिशियस मिड डे मील को हमने अगर माना होता तो यहाँ पे आर आना चाहिए था। करेक्ट, क्रिएशन ऑफ इंक्लूजन फंड्स टू हेल्प सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन परस्यू एजुकेशन इज अनदर। करेक्ट, जो क्रिएशन है बनाना है एक इंक्लूजन फंड्स का, एक ऐसे फंड्स जिनका नाम होगा इंक्लूजन फंड्स। करेक्ट, इनको जो बनाने का काम है ना, क्यों, ताकि हेल्प कर पाए सामाजिक रूप से और एजुकेशनली शैक्षिक तौर पर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को, ऐसे बच्चे जो पीछे छूट गए हैं जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। कह रहे और किस लिए हेल्प करना है, ये परस्यू करें एजुकेशन को, स्कूल में आए और पढ़ना शुरू करें। कह रहे ये जो क्रिएशन है ना, ये इज अनदर। तो पहला था ब्रेकफास्ट, दूसरा था ये वाला फंड जिसमें गरीब घरों के बच्चे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में फ्री में आकर के भी शायद पढ़ पाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्रिएशन की वर्ब इज आ गई, परस्यू करना, किसी चीज़ की पाने की कोशिश करना, पीछा करना। आगे करा, वेयर द पॉलिसी फेल्स टू शो रिगर हाउएवर इज ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस बोथ इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन, द राइट टू एजुकेशन नीड्स स्पेसिफिक मेजर्स टू सक्सीड। अब बता रहा है इसमें जो कमी रह गई है सबसे बड़ी, कह रहे जहाँ पे पॉलिसी नाकामयाब रहती है दिखाने में एंथुजियाज्म को, रिगर को, स्ट्रिक्टनेस को, फॉर्मनेस को, अपने जोश को, तो जहाँ पे पॉलिसी का जोश कम है ना, अब वो जगह बताएगा। कह रहा हाउएवर वो है उस पे है यूनिवर्सलाइजेशन पे एक्सेस के, सबके पास एक्सेस जो है यूनिवर्सल नहीं है। अब किस चीज़ का एक्सेस, दोनों का, बोथ स्कूल्स का और हायर एजुकेशन का। कुछ लोग जो हैं डॉक्टरों के घरों से आते हैं, सब लोग घर में डॉक्टर बन जाते हैं क्योंकि उनको रास्ता पता है, पैसे भी उनके पास हैं। कोई गरीब लड़का है जिसको डॉक्टर बनना है पर उसको ना रास्ता पता है ना उसके पास पैसे हैं, तो ना लोगों के पास स्कूल्स का यूनिवर्सलाइजेशन है ना लोगों के पास हायर एजुकेशन यूनिवर्सल है। तो कह रहा है यहाँ पे पॉलिसी अपना जोश बिल्कुल भी नहीं दिखा पाती। अब देखो आगे कह रहा है, कह रहे तो राइट टू एजुकेशन है, जो राइट टू एजुकेशन है उसको जरूरत है स्पेसिफिक मेजर्स की, खास कदमों की, सक्सीड होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। राइट टू एजुकेशन बच्चों वाला भी, उसमें ऐसे कदम हमें चाहिए ताकि सब बच्चों को 8वीं क्लास तक की कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। समझ गए आई थिंक सेंटेंस को, रिगर वर्ड का मतलब है स्ट्रिक्टनेस, फॉर्मनेस, एंथुजियाज्म। यहाँ पे पॉलिसी की वर्ब है फेल्स, और जो इज है ना, ये किसकी वर्ब है, इस पूरे के पूरे क्लोज की। देखो क्लोज भी अपनी वर्ब रखता है, क्लोजेज में पढ़ाऊंगा, क्लोज की वर्ब है इस, और इस क्लोज में पॉलिसी की वर्ब है फेल्स। ऐसा भी होता है इंग्लिश में, कई सारे वर्ड्स मिलके क्लोज बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, करे मोर ओवर इसके ऊपर भी, इन एडिशन टू दैट फी रेगुलेशंस एग्जिस्ट इन सम स्टेट्स इवन नाउ बट द रेगुलेटरी प्रोसेस इज अनेबल टू रेन इन प्रॉफिटरिंग इन फॉर्म ऑफ अनअकाउंटेड डोनेशंस। कह रहे इससे भी ऊपर जो फी रेगुलेशंस है ना, फी की जो नियम है फीस के, वो एग्जिस्ट करते हैं कुछ स्टेट्स में अभी तक, है ना, अभी भी कई स्टेट्स में फी की रेगुलेशंस हैं, लेकिन जो रेगुलेटरी प्रोसेस है वो इतनी अनेबल है, जो रेगुलेशन की प्रोसेस है वो इतनी असक्षम है अपने देश में कि वो रेन इन नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती मुनाफाखोरी को, और किस फॉर्म में, अनअकाउंटेड डोनेशंस की फॉर्म में। अपने देश में एक स्कूल माफिया है, मैंने ऑडिट भी की है इसकी, स्कूल माफिया के अंदर हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर, सरकारी प्राइवेट स्कूल्स में जाकर के देखते हैं कहीं वो अनाप शनाप फीस तो नहीं ले रहे हैं बच्चों से। मैं इस पहले सेंटेंस को बताता हूँ फिर आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। कह रहे इसके ऊपर क्या है, फी रेगुलेशंस होने के बावजूद कई सारी स्टेट्स स्कूल के रीजन में रेन इन नहीं कर पा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है मुनाफाखोरी को। रेन इन करना होता है किसी को कंट्रोल करना, चेक करना, किसी के लगाम को खींचना। अनअकाउंटेड ऐसी चीज़ है जिसको अकाउंट में नहीं लिया गया है, गुपचुप तरीके से होने वाली चीज़ अनअकाउंटेड होती है। स्टोरी ये है कि मैं एक स्कूल में गया अहमदाबाद के ऑडिट करने के लिए, प्राइवेट स्कूल के अंदर। गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं तो उनको हमें एंट्री देनी पड़ती है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में कोलैबोरेट करके जाते हैं, तो एंट्री दी उन्होंने। अब उनकी फीस हमने देखी जाकर के 7 लाख रुपीज़ फॉर प्राइमरी सेक्शन एवरी ईयर। 7 लाख रुपए प्राइमरी सेक्शन की फीस थी। स्कूल का नाम था अहमदाबाद इंटरनेशनल स्कूल, IAAIS ऐसा कुछ नाम था, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ अहमदाबाद ऐसा कुछ नाम था।
तो मैं भी परेशान हो गया इतना देख करके कि 7 लाख रुपीस इंडिया में प्राइमरी के बच्चे की प्ले स्कूल की किंडर गार्डन की फी है। वहाँ पे बच्चे किन के आते थे, कोई किसी के पापा न्यूयॉर्क में है, वो बच्चे को अभी 3rd क्लास तक यहाँ छोड़ा है नाना नानी के पास, फिर वो वापस बुला लेंगे, है ना। इस टाइप के वहाँ बच्चे आते थे। तो वहाँ पे राइट टू एजुकेशन की मैं ऑडिट कर रहा था, तो वहाँ मुझे देखना था कि 25% जो सीट्स हैं वो गरीब बच्चों के लिए होनी चाहिए अलग से, मतलब फ्री फ्री में हर प्राइवेट स्कूल को गरीब बच्चों को पढ़ाना होता है। तो हम वहाँ पे ये चेक करने गए थे, तो वहाँ मैंने देखा जो गरीब बच्चे भी थे उन्हीं बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ रहे थे। पर ये पॉलिसी बहुत ख़राब है। वो बच्चे कहाँ से आते हैं, कैसी गाड़ी में आते हैं, ये बच्चे कहाँ से आते हैं, कैसी गाड़ी में आते हैं, दोनों एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, छोटे बच्चों के मन में हीन भावना आ जाती है। तो इस तरह से ना राइट टू एजुकेशन पॉलिसी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही अपने देश में। ऐसे रूल्स होने के बावजूद बच्चों के मन में हीन भावना रहती है। तो ये स्कूल माफिया है। कह रहा द आइडिया ऑफ अ नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल एज एन एपेक्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू बी रिजेंटेड बाय स्टेट्स। कह रहा जो आइडिया है ना एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल का, अब हम एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाने वाले हैं जो पूरे देश के हर हायर एजुकेशन के कॉलेज के ऊपर जो है उसको कंट्रोल करेगी। और कैसे बनाएंगे, एक चोटी की कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में। कह रहे जो आइडिया है ना, जो ख्याल है, ये भी बाउंड है, ये भी पक्का ही है। बाउंड मतलब किसी काम को होना ही है इसके साथ। और क्या होना है इसके साथ, इसको रिजेंट होगा स्टेट्स के द्वारा। स्टेट्स इस पर अपना डिसलाइक दिखाएंगी, ऑब्जेक्ट टू करेंगी, इस पर अपनी जो असहमति को, डिसअग्रीमेंट को दिखाने वाली है, क्योंकि स्टेट्स कहेंगी कि नेशनल लेवल पर ऐसी बॉडी आप कैसे बना सकते हैं। कह रहे सिमिलरली इसी तरीके से नेशनल बॉडी फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट वुड हैव टू कन्विंस द स्टेट्स ऑफ इट्स मेरिट्स। कह रहे इसी तरह से एक नेशनल बॉडी जो है ना एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, बच्चों की समझ के विकास के टेस्ट के लिए, कह रहे ये बॉडी को ना वुड हैव करना ही पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा स्टेट्स को, और किसके, इसकी मेरिट्स के बारे में, इसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में। तो ऐसी पॉलिसी, ऐसा जो है ना बॉडी आएगी उसको भी बताना पड़ेगा कि क्यों एप्टीट्यूड टेस्ट हर बच्चे का जरूरी है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है लर्निंग एबिलिटी, आपकी कॉम्पिटेंस। आपको मैं कुछ समझाऊं, आप उसको समझ पाएं, दैट जो क्वालिटी इज कॉल्ड एप्टीट्यूड, है ना। कर अमंग द मैनी इंपरेटिव्स द डेडलाइन टू अचीव यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2025 शुड बी ए टॉप प्रायोरिटी एज ए गोल दैट विल क्रूशली डिटरमिन प्रोग्रेस एट हायर लेवल्स। कह रहा दूसरे बहुत सारे इंपरेटिव्स में से, बहुत सारी नेसेसरी कंडीशंस में से, इंपरेटिव इज कॉल्ड अ नेसेसरी थिंग, अ कंडीशन विच इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ अ प्लान। तो कह रहा बहुत सारे दूसरी जरूरी चीज़ों में से, इंपरेटिव्स में से जो डेडलाइन है ना, जो आखिरी डेट है किस चीज़ की, भाई पाने की यूनिवर्सल लिटरेसी को, सबको साक्षर करने की, सबको लिटरेट बनाने की, और क्या पाने की, न्यूमरेसी को, सबको मैथमेटिक्स सिखाने की। कह रहे ये जो डेडलाइन है ना जो है 2025 की, ये शुड भी होनी चाहिए हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी, एक गोल के फॉर्म में, एक मकसद के तौर पे। और ये कौन सा गोल है भाई, जो कि क्रूशली डिटरमिन करेगा हमारी प्रोग्रेस को हायर लेवल पे, जो कि गंभीर रूप से इस चीज़ को पक्का करेगा हम प्रोग्रेस करते हैं ऊंचे लेवल पे जाकर के। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था आज का, कोशिश की है मैंने इसको सिंपल बनाने की। आज का क्विज आपका मैं फिर दिखा देता हूँ, अभी क्वेश्चंस को आप भी सॉल्व करने वाले हैं, वीडियो लंबी हो गई है, कहोगे तो कल की वीडियो के शुरू में सॉल्व करवा दूंगा। सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, 1 2 3 इनका स्क्रीनशॉट लें, और ये चौथा क्वेश्चन है। चारों के आंसर्स को मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी इनकी इनके एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इनको कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश करूंगा, है ना, ताकि थोड़ी आपको एक्सप्लेनेशन मिले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की खास करके। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करके बताना, वीडियो को शेयर देना, एक अपने क्वेश्चंस को, आंसर्स को अपडेट करें कमेंट सेक्शन में। मुलाकात लूंगा प्रोबेबली कल फिर एक वीडियो के साथ। साइनिंग आउट।